गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। एंड टुडे वी विल स्टडी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोषी। और चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है टेक्स्ट के साथ, वर्ड मीनिंग्स के साथ हिंदी में। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लें। तिशानी दोषी एक पोइट थी, एक राइटर है और एक डांसर भी है। और जो उनकी सबसे पहली बुक थी कंट्रीज ऑफ द बॉडी नाम से, उसकी वजह से उन्हें फॉरवर्ड प्राइज मिला था और 2006 में उन्हें पोएट्री कंपटीशन का अवार्ड भी मिला था। और उनके जो आर्टिकल्स हैं वो न्यूज़पेपर्स में, लिटरेरी जर्नल्स में और मैगजीन्स में प्रिंट होते हैं। और वो एक एडवेंचरस लेडी हैं और इसकी वजह से वो एक स्कूल चिल्ड्रन का ग्रुप लेकर गई थी एंटार्क्टिका, और इसकी वजह से उन्हें पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया गया था। बच्चों, जब ये वहाँ गई थी तो जो उन्होंने वहाँ स्टडी किया, जो एक्सपीरियंस गेन किया, तो उनका जो वेंचर था, ये वेंचर होता है एडवेंचरस ट्रिप जो उन्होंने किया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अर्थ प्लैनेट के बारे में, इसकी इवोल्यूशन के, अर्थ कैसे बनी, अर्थ का फ्यूचर क्या होगा, इसका प्रेजेंट क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन रिवील करेगा जो ऑथर का वहाँ का एक्सपीरियंस था। और ये लोगों को फोर्स भी करेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो कितना कनेक्टेड है सी से और फ्रिजिड एरिया से। तो अब ऑथर जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि वो वहाँ जो अंटार्कटिका में गई तो कैसे गई। वहाँ पर वो एक रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम था एकेडमिक शॉकल थी, जो वहाँ गई उसमें। और जब वो वहाँ पहुँची तो एंटार्क्टिका प्लेस कैसा था, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट कैसा था, कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडीएस्ट। और ऑथर की जर्नी जो थी मिड्रॉस से स्टार्ट हुई और उन्होंने कितने एरियाज को कवर किया, क्रॉस किया, 9 टाइम जोन्स। ये मतलब कौन से एरियाज होते हैं 9 टाइम जोन, जहाँ सेम टाइम पैटर्न फॉलो होता है, और 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और इतने ही इकोस्फीयर्स। तो जब वो वहाँ पहुँची तो कितने आवर्स की जर्नी थी, 100 आवर्स। और कैसे कैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या थे, सबसे पहले उन्होंने कार में ट्रेवल किया, फिर एरोप्लेन में और फिर शिप में फाइनली। अब जब वो वहाँ पहुँची तो सबसे पहला उनका फीलिंग क्या उनके अंदर आई कि रिलीफ, शी वॉज रिलीव्ड, क्योंकि ये जो एरिया था अंटार्कटिका ये ह्यूमन एक्टिविटीज से इंटैक्ट था, इसका अभी कोई उस पर असर नहीं आया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई पोल्यूशन नहीं था वहाँ पर, बिल्कुल क्लियर स्काई। और दूसरी फीलिंग क्या आई, वंडर, शी वॉज वंडर्ड, हैरान हो रही थी वो बहुत, उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आ रही थी क्योंकि इतना ब्यूटीफुल एरिया, पेनॉर्मिक ब्यूटी वहाँ की दिखाई दे रही है, वास्ट एक्सपेंस था पूरा, वो वास्ट एक्सपेंस। फिर ऑथर हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाता है अंटार्कटिका और कॉन्टिनेंट की, क्या कि शी टेल्स के 650 मिलियंस ईयर्स एगो क्या होता था, एक एमलगमेटेड, एक मिक्सचर होता था सदरन सुपर कॉन्टिनेंट और जिसका नाम था गोंडवाना। और ये जो गोंडवाना था सुपर कॉन्टिनेंट, ये अंटार्कटिका की चारों तरफ होता था। और तब जो आज का सिनेरियो है ये वाला सिनेरियो नहीं था, ये प्रेजेंट ग्लोब नहीं था, जो हम कंट्रीज़ का ग्लोब देखते हैं ऐसा नहीं था। ह्यूमन तो थे ही नहीं धरती पे, और जो क्लाइमेट थी बहुत वार्म थी, और फ्लोर एंड फाना डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, और ये 500 मिलियन ईयर्स तक इसका एग्जिस्टेंस रहा गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। और उन दिनों गोंडवाना जो था बहुत प्रॉस्परस था, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, डायनासोर्स की एज भी थी वो, लेकिन क्या हुआ, अचानक से धीरे धीरे डायनासोर्स जो है डिसअपियर होने लगे। और जब डायनासोर क्यों डिसअपियर होने लगे, क्योंकि मैमल्स आने लगे धरती पे, और जो था जब धरती पे मैमल्स आए तो चेंजेस आए, क्लाइमेट में चेंजेस आए, तो ये जो लैंड मास था गोंडवाना कॉन्टिनेंट था, ये ब्रेक हो गया इंटू डिफरेंट कंट्रीज। ऐसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज ब्रेक कर करके अपनी जगह से खिसकते गए, और जैसे आज आप ग्लोब में देखते हैं वो वाले कंट्रीज सारे फॉर्म हो गए। अब इमेजिन करो, वो आथर बता रहे, इमेजिन करो
कि कैसे ये जो अंटार्कटिका की हिस्ट्री से इमेजिन करो, अगर हम वहाँ जाएंगे, वहाँ स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ से आए हैं और हम किधर की तरफ जा रहे हैं, और जो कॉर्डिलेरन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, इनकी स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है, ओजोन लेयर की, कार्बन लेयर की, इनकी स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है, इससे हमारी इवोल्यूशन, हमारी एक्सटिंक्शन का पता लगता है। और जब हम ये स्टडी करेंगे सारी, तो वी विल बी क्वाइट शॉक्ड। फिर विजुअल पिक्चर दे रहा है ऑथर हमें कि गोंडवाना जब होता था, उसके बाद वो ब्रेक हुआ, तो कैसे कैसे इंडिया फॉर्म हुआ, अमेरिका फॉर्म हुआ, हिमालय बना, डिफरेंट कंट्रीज कैसे बने, इंडिया नॉर्थ की तरफ पुश होता गया, एशिया के अगेंस्ट जाम होता गया, और फिर एकदम ऊपर टॉप मोस्ट हिमालय की चोटी बनी, फिर साउथ अमेरिका ज्वाइन, नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उनके बीच में ड्रेक पैसेज बन गया, और ड्रेक पैसेज जो है सरकम पोलर करेंट्स, कोल्ड करेंट्स हमेशा वहाँ चलती है, और इसी वजह से जो अंटार्कटिका एब्सोल्युटली कोल्ड प्लेस और बिल्कुल पूरी धरती से अलग एकदम, और एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड साउथ में। और फिर ऑथर कहती हैं कि क्योंकि वी आर फ्रॉम द हॉट एरियाज, और जो है हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में जब जाते हैं तो हमारी बॉडी में तो चेंजेस आते ही आते हैं, लेकिन लेकिन हम बिल्कुल हिल जाते हैं, माइंड मेंटली हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि जो अंटार्कटिका कंटिनेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस हैं ही नहीं बिल्कुल भी, और ऐसा लगेगा क्योंकि वहाँ पे जब ह्यूमंस नहीं है तो कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई बिल बोर्ड नहीं है, कोई मार्कर नहीं है वहाँ पर, कोई बिल्डिंग नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जहाँ एक जगह चल रहे हो तो उसी जगह पे चल रहे हो, वापस घूम घूम के वापस वहीं आ रहे हो, ऐसा लगेगा तुम्हें। और डिफरेंट जो जैसे इस धरती पे डिफरेंट लाइव्स हैं, छोटी से लेके मिजिट्स, माइट्स एंड मिजिट्स से लेके ब्लू व्हेल, इतने बड़े बड़े जो लार्जेस्ट क्रिएचर हैं वहाँ, सब तरह की आपको लाइफ वहाँ नज़र आ जाएगी ह्यूमंस को छोड़ के। और जो है डेज एंड नाइट्स आर नॉट डिवाइडेड, पूरा दिन ऐसे समर लाइट दिखाई देगी, एक अजीब सी साइलेंस दिखाई देगी हर जगह, लेकिन वो साइलेंस कभी कभी स्नो स्टॉर्म्स चलते रहते हैं, आइस शीट्स ब्रेक होती रहती हैं, एकदम से बड़ा टेरिफिक ऑरा फील होता है, टेरिफिक एनवायरनमेंट फील होता है, और ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हें ये, तुम किसी सैक्रेड प्लेस पे आ गए हो, और तुम्हें तुम्हें ये 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 ऐसी फीलिंग फोर्स करेगी कि तुम्हें अर्थ की, अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की स्टडी करो। जब लेकिन जब हम अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो हम दैट विल बी वेरी माइंड डिस्टर्बिंग। अब ऑथर हमें हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में रिमाइंड करा रही है कि हमने इस अर्थ पे कितने चेंजेस ला दिए हैं, प्लैनेट अर्थ पे। शी सेज कि जियोलॉजिकल क्लॉक जो है बहुत बड़ा क्लॉक है, और उसके ऊपर जो ह्यूमन क्लॉक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो थोड़े से टाइम पहले ही इवोल्व हुई है, लेकिन उस थोड़े से टाइम में ही हमने इस धरती पे कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है, हमने अपना अधिकार जमा लिया, डोमिनेंस जमा लिया धरती पे, टाउन्स, विलेजेस, सिटीज, मेगा सिटीज, सब कुछ, बिल्डिंग, सब कुछ बना लिया है, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से अर्थ के रिसोर्सेज पे कितना भार पड़ा है, और इसके, और हम कितना केयरलेसली हम अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन रही है धरती के चारों तरफ, और ये ग्लोबल टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर रही है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। और फिर ऑथर कहती है कि क्लाइमेट चेंज है सबसे बड़ा आजकल डिबेटेड टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट। और फिर ऑथर इज ऑफ द पूछती है, क्वेश्चन पूछती है कि वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट हो जाएंगी क्या, गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट डिस्टर्ब हो जाएगा क्या, और फिर क्या ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और किसी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए अंटार्कटिका की पे जाना और वहाँ स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए कि जो भी कोई भी लाइफ है यहाँ पर अपनी प्रिस्टीन फॉर्म में है, अपनी अर्लीस्ट फॉर्म में है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ की क्लाइमेट में, यहाँ के इन्वायरमेंट में, और यहाँ पर क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी स्टडीज़ में,
क्यों? क्योंकि इसकी मिलियन हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप हैं इसकी आइस कोर्स में, आइस शीट्स में, हाफ मिलियन ईयर्स कार्बन रिकॉर्ड, और वो हमें हेल्प करेंगे टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि उन उन कार्बन कार्बन लेयर्स से हमें अच्छे से रिसर्च करने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद ऑथर हमसे शेयर कर रही है कि ये प्रोग्राम क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इस प्रोग्राम में स्कूल स्टूडेंट्स गए थे और उनको, स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं वो यंग एंड एनर्जेटिक होते हैं, और उनको एक्सपोज करना, किसके सामने एक्सपोज करना, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ताकि उन्हें इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलें और उन्हें उनके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक अपने प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाए उनके अंदर। और ये जो है ये ऑपरेशन स्टूडेंट्स ऑन आइस, 6 साल हो गए इसको स्टार्ट हुए हुए, एंड कौन था इसका लीडर, कैनेडियन जॉफ ग्रीन, जो कि सेलिब्रिटीज को ले जाके थक गया था, क्योंकि वो लिमिटेड दे सकते हैं अमाउंट अपने नॉलेज से, नॉलेज तो उन्हें बहुत है बिकॉज, क्योंकि वो ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं दे आर द फ्यूचर जनरेशन, दे आर द पॉलिसी मेकर्स, एंड उनकी एज क्या होती है, दे आर ऑलवेज रेडी टू ऑब्जर्व लर्न एंड एक्ट। अब ऑथर सेज कि इट इज इजी टू रिमेन इन आर कंफर्टेबल जोन्स एंड टू निग्लेक्ट द पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, जो अगर हम जैसे मान लो सपोज वी डोंट गो देयर इन एंटार्क्टिका और हम यहाँ आराम से बैठे, हमें कुछ भी नहीं पता कि धरती पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट देखेंगे, वहाँ कितना इंटैक्ट एंड प्योर एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, और फिर हम देखेंगे अपनी आँखों से कि जो आइस बर्ग्स हैं, आइस शेल्स हैं, वो गिर रहे हैं और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो हमें रियल ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट को का एहसास होगा, और फिर हम जो है हम स्टडी करेंगे, वी विल डेफिनेटली स्टडी अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। और क्यों स्टडी करेंगे, क्यों एंटार्क्टिका जाने के लिए ऑथर इज सो कीन, क्योंकि जो एंटार्क्टिका है बहुत, वहाँ इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी नहीं है, वैरायटी ऑफ लाइफ नहीं है वहाँ पर, इतने एनवायरनमेंट चेंजेस नहीं आए हैं जो कि बहुत रिपरकशंस मींस हार्मफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो करें। तो शी सेज के वो, उन्होंने एक एग्जांपल दिया, फाइटोप्लैंकटन, एक छोटा सा बहुत छोटा सा ग्रास होता है, सी ग्रास होता है, जो कि पूरी सदरन एशियन फूड चेन को नरिश और सस्टेन करता है। कैसे करता है कि ये सन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके और इतने वंडरफुल वे में सिंथेसाइज करता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज करता है, फोटोसिंथेसिस, विच इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस नॉन टू यू, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं क्योंकि ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट इतने ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से कितने चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस की वजह से इस फाइटोप्लैंकटन प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में असर आएगा, और इस प्रोसेस में असर आया तो जितने भी बाकी स्पीशीज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मेरीन लाइफ एंड बर्ड्स लाइफ, ये पूरी चेन डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई ऑथर सेज इन दिस पैरेबल, इन दिस मॉरल शॉर्ट स्टोरी, वेरी बिग पॉइंट्स आर हिडन, और वो क्या है, वी टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स ऑन द अर्थ एंड द बिग रिजल्ट्स विल बी बिफोर आर आईज। और लास्ट में ऑथर टेल्स अस कि जो मेमोरेबल, मोस्ट मेमोरेबल पॉइंट ऑफ द जर्नी क्या था, क्या था जब वो एंटार्क्टिक सर्कल से सिर्फ 65.55 डिग्री थे, दूर थे, तो शोकल्स की जो था, उनका जो वेसल था वो वहाँ अटक गया। क्यों, कैसे अटक गया, क्योंकि पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड के बीच में एक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस था, उसकी वजह से आगे नहीं जा पाए। तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम वापस नॉर्थ की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले
उनको क्या ऑर्डर मिले कि वो नीचे उतर जाएं और गैंग प्लैंक जो होता है ना, किसी बोट के सामने एक वुडन प्लैंक होता है जिससे तुम बाहर आते हो बोट से, बोट से, तो वहाँ उनको ये ऑर्डर मिला कि वो अपने वहाँ से नीचे आ जाएं बोट से, और दे और उनको क्या चांस मिला, सी द स्टूडेंट्स, ओशन पे चलने का चांस मिला। अब वो ओशन पे कैसे चले, क्योंकि फ्रोजन आइस थी, 1 मीटर थिक फ्रोजन आइस थी और उसके नीचे 180 मीटर डीप वाटर था। और फिर उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, रेयर स्पीशीज ऑफ द एनिमल, बड़े बड़े क्रैब सील, क्रैब ईटर सील्स थी वहाँ पर, और वो धूप में अपने आप को जैसे बड़े अच्छे से फैला रखा है उन्होंने अपने आप को, जैसे आप यहाँ पे नॉर्मली डॉग्स को स्ट्रीट्स में देखते हैं, वैसे उन्होंने वहाँ पर ये वाली एनिमल्स देखे बड़े बड़े। एंड दिस वाज दे वर ऑस्ट्रक, हैरान हो गए वो। अब फिर से ऑथर कह रहे हैं कि भाई मैंने इतने सारे एरियाज को कवर कर, क्रॉस करके मैं वहाँ पहुँची और मैंने इतनी ब्यूटीफुल प्लैनेट को, पार्ट ऑफ द प्लैनेट को देखा, और फिर मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो इतना फ्रिजिड जोन आज है, क्या ये कभी पहले की तरह वार्म बनेगा, जब ये कभी पहले होता था 650 मिलियन ईयर्स एगो होता था, एंड क्या हम जिंदा बचेंगे वो वाला सीन देखने के लिए, या फिर हम डायनोसर्स की तरह डिसअपियर हो जाएंगे इस अर्थ से, रिनोस की तरह डिसअपियर हो जाएंगे। शी इज नॉट श्योर वट विल हैपन टू अस, बट शी सेज के वट एवर विल बी द रिजल्ट, बट द स्टूडेंट्स वेन वेंट देयर शी वॉज श्योर कि शी विल बी एबल टू